लोकसभा के चुनावी रण में ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अलग ही मांग रखी है। मांग नहीं मानने पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है। संगठन ने मांग रखी है कि पहले उनको भुगतान किया जाए, फिर वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। दरअसल मामला पीएससीएल और चिटफंड कंपनियों से जुड़ा हुआ है। इसमें संगठन का दावा है कि पूरे देश में 6 करोड़ परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अभी तक ना तो केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है और ना ही अन्य दलों ने उनकी मांगों का सपोर्ट किया है। संगठन के प्रवक्ता सीबी यादव ने बताया कि पीएससीएल के माध्यम से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब कंपनी बंद होने से पैसा वापस नहीं आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं। नंबर एक, पीएसीएल कंपनी का 2 फरवरी 2016 का जो निर्णय था, जिसमें 6 माह में देश के 5.85 करोड़ निवेशकों को लौटाने की बात कही गई थी, केंद्र सरकार ने उस डिसीजन को क्रियान्वित नहीं किया। हमने बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी हमारे मुद्दे को न तो घोषणा पत्र में रखा गया और न उस मुद्दे को पूरे चुनाव में कोई केंद्र बिंदु में रखा गया। हमने इसी के विरोध में चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री की जनसभा में किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी को 2 बार अपना भाषण भी रोकना पड़ा। आज हम ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमारा संगठन ये निर्णय लेता है कि अगर प्रधानमंत्री जी आगामी दिनों में पूरे देश में अगर इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और देश के 6 करोड़ पीएसीएल पीड़ितों से और देश के 15 करोड़ चिटफंड पीड़ितों के संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आगामी 2 दिनों तक हम और इंतजार करेंगे। उसके बाद में इस देश में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जनसभा होगी, उसमें गांधीवादी तरीके से हमारे हजारों लोग पहुँचेंगे और